इसलिए सोनूहातू में जंगली हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। दर्जनों की संख्या में रिहायशी इलाकों में हाथियों ने प्रवेश कर लोगों का लाखों का नुकसान किया है। हाथियों के घुसने से फसल बर्बाद होने के साथ साथ एक शख्स के घायल होने की भी खबर सामने आई है। वहीं पूर्व विधायक अमित महतो ने वन विभाग पर इन घटनाओं की नजरअंदाजी कर लापरवाही का आरोप लगाया है। कल परसों हमारे यहाँ हाथी फिर से इनकी वापसी हुई थी और काफी फसलों को भी नष्ट किया है और उसके तहत हमारा यहाँ पर आना हुआ देखने के लिए। और इससे पहले भी ये जो माता सरन जी की जो बातें आ रही है उसको लेकर विभाग को हम लोगों ने कहा था, पर हमें ये पता नहीं था कि मात्र 10,000 रुपये दिए गए हैं। अगर विभाग को जो भी कहना हो हम कहेंगे और निश्चित रूप में, क्योंकि गरीब व्यक्ति हैं माता सरन जी और सिर्फ 10,000 रुपये मिले हुए हैं, हमने भी उन्हें देखा कि वो बेड पर ही पड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे विभाग को हम ये कहेंगे कि वो उचित इलाज हेतु व्यवस्था करें पैसे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।